ये सीधी तस्वीरें आपको डोडा से दिख रही है, बिल्कुल डोडा के पुलडोडा रोड पे। और अभी हम यहीं से निकल रहे थे तो जैसे ही हमने देखा और यहाँ पर जो है गाड़ी का जो है एक्सीडेंट हो गया, और इस गाड़ी में दो लोग सवार बताए जा रहे हैं। और ये दरिया चन्हाब की तस्वीर है जहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर रेस्क्यू टीम जो है नीचे पहुँची है और जो प्रयास कर रही है कि यहाँ से जो है उन लोगों को निकाल जा सके। और गाड़ी इस खाई में यानी इस चन्हाब में जा घुसी है। तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर लगातार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सीधी तस्वीरें जहाँ पर ये गाड़ी दरिया चन्हाब में चला गई है। और ये उस साइड से देख सकते हैं जहाँ से जो इंजर्ड लोग हैं उनको लाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें जहाँ पर पुलिस और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये तस्वीरें सीधी तरह मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल यहाँ पर आसपास बहुत सारे घर भी हैं जहाँ से ये गाड़ी जो है नीचे की ओर गई है। ये रेस्क्यू टीम जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो इंजर्ड हैं उनको ऊपर उठाकर लाया जा रहा है। आप कितने लोग इस गाड़ी में सवार थे और कौन सी गाड़ी थी आप बताना अभी मुश्किल है, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले ये हादसा यहाँ पर हुआ है। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ से निकल रहा था काफ़ी जाम था और काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे थे। यानी सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ से कितने दूर, लगभग 500 मीटर नीचे दरिया चन्हाब जहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं एम्बुलेंस से आगे, और तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, डोडा पुलडोडा रोड है और बिल्कुल जहाँ पर ये तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर एम्बुलेंस चाहे फिर एडमिनिस्ट्रेशन की एम्बुलेंस हो या फिर आवाबील, बिल्कुल जाम यहाँ पर के बीच में आप देख सकते हैं। बड़ी दुखद समाचार है। और आप किस तरह से, और कुछ समय के बाद बताने की कोशिश भी करूंगा कितने लोग इसमें थे। और ये देख लीजिए यहाँ से आप वापस लिया जा रहा है। इंजर्ड दो बच्चे ये इधर मेले की हैं, ये सामने मेला उनका। तो कितने लोग थे? दो लड़कियां थी, दोनों बच्चे हैं उसमें से? कोई बच्चे नहीं है, दोनों ठीक हैं। आप रेस्क्यू करने गए थे नीचे पे? आपकी टीम यहाँ पर? ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर देख सकते हैं लंबा जाम यहाँ पर लगा है। और ये एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, दो लड़कियां बताई जा रही हैं इसमें, और चलाने वाला कौन था, क्योंकि इसके बिल्कुल घर के साथ नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के कारण आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां से ये गाड़ी गई है। और सीधी तरह ये देख सकते हैं जहां पर दरिया चन्हाब के बिल्कुल अंदर ये गाड़ी चला गई है। यानी पुलिस लोगों को हटाने, क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग यहां पर आ पहुंचे हैं, क्योंकि जैसे ही यह हादसा यहां पर आप देख सकते हैं। अब पूछना और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पुलिस लोगों को हटाने की कोशिश भी कर रही है, और यहां से तमाम जितनी भी गाड़ियां हैं तमाम सब लोगों को हटाने की कोशिश भी कर रही हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ रेस्क्यू टीम बिल्कुल नीचे है, और किस जगह से ये गाड़ी गई है वो भी बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहाँ से गई थी भैया? असल में जैसे बैग गियर लगी था कूड़, बैग गियर लगो रहते हैं तो ये तो कोई सूद बोल गियर का क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ये तो बोल से पैरापिट फटा हुआ गियर बोल पैरापिट ये जगह है, ये वही जगह है जहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर पैराफिट जो यहाँ पर था वो भी टूट गया है। बिल्कुल यहाँ से गाड़ी जो है, और बिल्कुल नीचे आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर रेस्क्यू टीम जो है यहाँ पर पहुँची हुई है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, और बिल्कुल तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ से ये गाड़ी नीचे की ओर गई है। और ये जगह जहाँ पर अभी
इस तरह से हम इसी रास्ते से जा रहे थे, जैसे यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद जो है ये हादसा कुछ समय पहले यहाँ पर हो गया था। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि दो महिलाएं हैं उसमें, और दो में से यहाँ से शिफ्ट करके जीएमसी हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। लेकिन बहुत बड़ा हादसा, क्योंकि बिल्कुल डोडा से पुलडोडा जाने वाला जो रास्ता है उसी रास्ते पर हम अभी जस्ट निकल रहे थे, तो जैसे यहाँ पर देखा बहुत लंबा जाम था। और यहाँ पर जब देखने के बाद पता चला, ये तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर रेस्क्यू टीम अभी देख रही चलो रखो फिर गाड़ी चला कौन रहा था देख कुछ कंफर्म नहीं है पता मुझे लगता है गाड़ी सीख रही है दोनों लड़की हैक करते हो मुझे लगता है या मोटे मोटे गिर उधर आगे से पैराफिट भी टूटा हुआ क्या हो जरा। देखिए अभी जिस तरह से हमारे पास सोर्स मिल रहा है कि दो लड़कियां थी इसमें और दोनों इंजर्ड हैं और यहां से शिफ्ट करके हॉस्पिटलाइज किया गया है उनको। और गाड़ी जो हादसा हुआ है, यानी आप देख सकते हैं सड़क कितने दूर है, बिल्कुल पाली वाली साइड जो गणपत ब्रिज पाली साइड भी आप देख सकते हैं जहाँ गाड़ियाँ रुकी हुई है। और ये तस्वीरें जहाँ पर रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची है, क्योंकि हमेशा रेस्क्यू टीमें यहां पर पहुंच जाती हैं जैसे ही कोई इस तरह का हादसा होता है। कुछ समय के बाद पूरी अपडेट आपके सामने रखूंगा कि इतने लोग इसमें सवार थे और कौन गाड़ी चला रहा था, क्योंकि अभी कहना बहुत मुश्किल है। जो परिवार के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, कुछ ऐसे भी कह रहे थे कि गाड़ी यहीं पे लगी थी, ब्रेक रिवर्स कर रहे थे और रिवर्स करने के बाद जो है गाड़ी जो है इस खाई में चला जाती है। यानी आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ गाड़ी ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस गाड़ी में कितने लोग थे। और बिल्कुल चन्हाब दरिया चन्हाब के बिल्कुल पास, क्योंकि आए दिनों इन रास्तों पे जब हादसे होते हैं इस तरह के, और बस पुलिस अब इनको हटाने की कोशिश कर रही है यहाँ से कि लोग, ताकि कोई पत्थर ना गिरे यहाँ से ऊपर, क्योंकि नीचे रेस्क्यू टीम है। चलिए कुछ समय के बाद हॉस्पिटल हम जैसे पहुंचते हैं पूरी डिटेल आपके पास देंगे कौन लोग थे इसमें और कौन सी गाड़ी थी। ये बताना काफी मुश्किल है क्योंकि गाड़ी जो है दरिया चन्हाब में है और क्योंकि यहाँ से लगभग 500 मीटर से ज़्यादा दूर खाई है और बिल्कुल हाईवे के साथ दरिया चन्हाब की लपेट में वो गाड़ी, और कितने लोग इसमें सवार थे ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से हमें बताया जा रहा है कि दो लोग इसमें सवार थे। देख सकते हैं जब पुलिस यहाँ से लोगों को हटाने कोशिश कर रही है ताकि यहाँ पर जो है किसी तरह का भी कोई और हादसा ना हो। कुछ समय के बाद हॉस्पिटल पहुँचने के बाद आपके सामने पूरी अपडेट रखेंगे। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन।